नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। झारखंड 24 साल पुराने राज्य ने 13 मुख्यमंत्री देखे, 3 बार राष्ट्रपति शासन देखा और निर्दलीय विधायक को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते भी देखा। राज्य का नाम आते ही जहन में तस्वीर उभरती है सियासी लिहाज से अस्थिर राज्य की, लेकिन इस अस्थिरता के पीछे क्या है? इस अस्थिरता के पीछे है सूबे की सत्ता का वो अंक गणित जिसे साधना हर दल की अभी तमन्ना है। 4 चुनाव बीत चुके हैं और प्रदेश 5वीं बार अपना भाग्य विधाता चुनने के लिए वोट कर चुका है और आज है नतीजे का दिन। किसके सिर सजेगा ताज, किसकी होगी सरकार, ये सब आकलन करने से पहले बातें चुनावी अतीत की कर लेते हैं कि आखिर झारखंड का चुनावी अतीत क्या कहता है। झारखंड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 81 है। 81 सदस्यों वाले सदन में बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 41 सीटों का है। देखने में यह संख्या भले ही कम लग रही हो, लेकिन झारखंड के चुनावी समर में उतरने वाले हर दल के लिए यही संख्या किसी बहुत ऊंची पर्वत चोटी से कम नहीं है। कम से कम अभी तक हुए 4 विधानसभा चुनावों में तो कोई भी दल इस आंकड़े तक नहीं पहुंच सका है। झारखंड चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 37 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी और यही सूबे के चुनावी इतिहास में किसी दल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। झारखंड चुनावों के अतीत पर नजर डालें तो सूबे में अब तक केवल एक चुनाव में ऐसा हो सका है जब 4 पार्टियों को 10 या उससे ज्यादा सीटों पर जीत मिली थी। ऐसा 2009 के विधानसभा चुनाव में हुआ था जब बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ही पार्टियों को 18-18 सीटों पर जीत मिली थी। तब कांग्रेस ने भी 14 और झारखंड विकास मोर्चा ने 11 सीटें जीती थी। 2009 के विधानसभा चुनाव से पहले या उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ जब 3 से ज्यादा पार्टियों की सीटें 2 अंकों में पहुंची हो। झारखंड के 2 चुनाव ऐसे भी रहे हैं जब सियासी दल 30 के फेर में फंसे। 2005 के झारखंड चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी, लेकिन सीटें उसकी 30 थी। यही इतिहास दोहराया गया 2020 के विधानसभा चुनाव में भी। साल 2020 के झारखंड चुनाव में जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसकी सीटें भी 30 ही रहीं। 2005 में जेएमएम 17 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही थी और तीसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस 9 सीटों के साथ सिंगल डिजिट में रही थी। 2020 के चुनाव में भी नंबर 3 कांग्रेस ही रही, लेकिन सीटें इस बार 16 थी। वहीं सत्ताधारी जेएमएम के साथ कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट पार्टियां हैं। चुनाव के बाद सरकार गठन की कवायद जोर तोर के फेर में ना फंसे, इसे लेकर सतर्क दोनों ही प्रमुख पार्टियों बीजेपी और जेएमएम ने चुनाव पूर्व छोटे छोटे वोट बैंक को टारगेट कर गठबंधन किया है। अब गठबंधन का ये गणित किसके लिए कितना मुफीद साबित होता है ये तो आज पता चल ही जाएगा।